हमें खुशी हुई ना इस बात की कि हमारा रिजल्ट जो है ना वो क्या है, काफी अच्छा रिजल्ट है। दूसरी बात जो है ना, दूसरी बात ये होती है कि तुमको ना सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिला कि हमारे साथ का लड़का आज दुर्गा बन गया, तुम्हारे सीने में ना आग लग जाएगी इस समय। लगेगी यार, लगेगी नहीं लगेगी, लगनी भी चाहिए, लगनी भी चाहिए, आग जल जानी चाहिए सीने में। ये सोच लो कि यार मैं भी दरोगा बन जाऊंगा अगली वैकेंसी में, होगा नहीं होगा। तो मेन चीज ये है कि भाई थोड़ा सा ना मैं इन दोनों का एक्सपीरियंस जो ना आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। ये खुद बताएंगे कि भाई थोड़ा सा तैयारी कैसे करें, बस और कुछ नहीं है। इनको थोड़ा सा मोटिवेट समझा दो कि मैं तो समझा था 10 मिनट ना, 1 घंटे में सब 10 मिनट रोज मैं आपको ना मोटिवेशन देता हूँ। तो भैया कम से कम मान जाओ मेरे दिशा निर्देश दो। ये देखो ये है भाई साहब, देखो ये यही बैठ के पढ़ते थे, जानते हैं राहुल के साथ आते थे, ये जहाँ तुम बैठे हो ना ये इनकी सीट फिक्स थी ना, यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठते थे पहले, एक इनकी सीट थी तो वहां से उठा कर यहाँ बैठेंगे। अब इनकी सीट हो गई भाई फिक्स, ये सोच लो पढ़ते रोज पढ़ना आते थे ये ऐसे में। और सिलेक्शन एक एक बात हो, यूपीएसएल में सिलेक्शन हुआ, 7 साल बंदे का एक दो जगह सिलेक्शन, दूसरी जगह हुआ था हाई कोर्ट में, दोनों में हो गया। स्टैनो भी बन गए और खिलाड़ी बन गए, तीन जो बंदा इस समय लिए पड़ा है तुम्हारे सामने तीन, और किसान बनेगा तैयारी करता है बंदा, जब ठीक से तैयारी करता है ना तो सोलो छह जो तुम्हारे सामने गिरवा दी भाई सामने छह जो। लेकिन तैयारी जो है ना भाई मेहनत से करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कितने दिन तैयारी करी थी? 6-7 महीने तैयारी करी थी ऐसा में। 6-7 महीने की तैयारी में सोच लो व्यक्ति दरोगा बन सकता है, कभी से तैयारी करी जाए तो। ऐसा नहीं है कोई साहब नहीं। अब तुम पता क्या सोचते हो, भाई साहब ग्रीन कार्ड बनवाओगे, अरे भाई साहब लाइफ टाइम बना दी, लाइफ टाइम जैसा लाइफ टाइम दो पढ़ना हो लाइफ टाइम पढ़ना तुम्हें है? अरे तैयारी तमीज से करोगे तो हो जाएगा, ये ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो शिवम थोड़ा सा तुम दोनों दोनों इन्हें समझा दो, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाए, थोड़ा सा बता दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हो, कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते होंगे, मेरा नाम शिवम सागर है और मैं पीलापुर कुमारी का रहने वाला हूँ। मैं सर के पास आया था लॉकडाउन के बाद, जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उस टाइम पे मैं आया था, सर ने बैच लगाया था यूपीएसआई के लिए स्पेशल, मैं उसमें आया। 2-3 महीने सर ने लगातार तैयारी कराई, जमकर तैयारी कराई, कुछ तैयारी कराई थी, यहाँ पे प्रैक्टिस करा देते थे टेलीग्राम ग्रुप में जो होता है ना प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन पेपर डाल देते पूरा क्वेश्चन पेपर। तो मेरा यहाँ पर टाइम नहीं लगता था क्योंकि मैं ऑडियो सेंटर पढ़ता था, तो मैं घर जाकर रात में उठ के जाकर सो जाता था, 9 बजे सो जाता था, उसके बाद 11-12 बजे मेरी आखिरी रात में, फिर मैंने उसके बाद उसे सेट जो सर ने सेट डाला वो पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करके मैं रख लेता था, आंसर डाल देता सर अगले दिन, तो मैं उसे अगले दिन मिलाता था, फिर देखता था मेरे कितने सही हैं कितने गलत, जो कमी होती थी वो सर से आगे मालूम कर लेता था, सर यहाँ फंस गया हूँ ये हो रहा हो रहा है। सर हमेशा हेल्प करते थे, बता देते कि ऐसा है ये वो है, जो जो भी होता था सब बता देते। और एग्जाम से पहले सर ने इतनी मेहनत करी थी सभी के साथ, बहुत मेहनत करी थी। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 2017 में इंटर किया था, 17 में इंटर किया, उसके बाद जो मैं ओ लेवल करने गया था 6 मंथ में, मैंने ओ लेवल करा था, 6 मंथ में ओ लेवल पढ़ के हुआ, फिर उसके बाद 18 में वैकेंसी आई थी वीडियो की, सबसे पहला एग्जाम मैंने अपनी लाइफ में वीडियो कर लिया था। लेकिन उस समय मेरी तैयारी नहीं थी, 2018 में मेरी तैयारी नहीं थी, मैं 2-3 महीने सारा पढ़ा था, उसमें भी मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था, उस हिसाब से देखा जाए तो 80-85 नंबर थे मेरे उस समय, उस टाइम पे किया उसमें रह गए। उसके बाद वैकेंसी आई थी हाईकोर्ट क्लर्क स्टैनो की 2018 के लास्ट में दिसंबर में, उसका एग्जाम हुआ था जनवरी में एग्जाम हुआ। तो उस समय मैं स्टैनो के लिए नहीं था क्योंकि मेरे पास प्रिपरेशन नहीं था, तो मैंने सिर्फ क्लर्क का पेपर दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया। लेकिन हुआ क्या था, उस समय उन्होंने टाइपिंग बहुत डिटेल से ले ली थी, 8 दिन का भी टाइम नहीं दिया था, पता होगा कुछ को, तो उस समय मैं टाइपिंग में रह गया था फाइनल का। उसके बाद 18 निकल गया, फिर 19 में वैकेंसी आई थी समूह क्लर्क की, पता होगा सबको, वो मैंने एग्जाम दिया, फिर वो मैंने क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया सबको पता, फिर तो उसमें हालत सबकी खराब हो गई जो भी था। फिर लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में वैकेंसी आई यूपीएसआई की, 94 वैकेंसी आई थी सिविल वालों की,
और उन्हीं के पीछे पीछे एक वैकेंसी थी यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई की, जो हमारी वाली थी। हमने यूपीएसआई सिविल वाली जो थी उसकी तैयारी के लिए सर के पास आए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं थे, सिलेबस सेम था। सर के पास आए, हमने तैयारी सिविल वाले की थी, उसने तो हमने दिल से ले लिया, होगा हो जाएगा कोई दिक्कत ना। सिविल वाले की तैयारी करी शंकर, बहुत अच्छे से तैयारी करी, अच्छे खासे नंबर भी आए, क्वालिफाई भी हुआ सिविल वाला, रनिंग भी हुई सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल में आगे तुम्हें पता है नॉर्मलाइजेशन में करा था इन्होंने खेला, तो हमारे नंबर काट लिए अच्छे खासे, तो हम उसमें फाइनल में जा रहे थे। फिर उसके बाद कई जगह हम निराशा मिली है, कई बार हम फेल हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार में जाते हैं सब फेल होते हैं, पहली बार में कोई नहीं होता पास, होता है तो वो अच्छी बात है जो हो जाता है। फिर उसके बाद हमें निराशा मिली, हम सर के पास आए, सर ऐसे ऐसे, सर ने कहा कोई बात नहीं, लगे रहो, होगा जो होगा अच्छा होगा। सर ने हमें मोटिवेट किया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तैयारी करो, एग्जाम दो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या करा, हम फिर तैयारी में लग गए, फिर हमने उसका भी एग्जाम दिया था पीछे, उसके बाद ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल वाला, फिर हमने वो क्वालिफाई किया, उसके बाद उसका भी रिजल्ट आया, हम उसमें ही पास हो गए थे, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम था, तैयारी सर के पास हुई थी बहुत अच्छी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसकी डीबी किया था, डीबी में उन्होंने बहुत सारे बच्चे निकाले थे, जो फर्जी कंप्यूटर डिप्लोमा था उसमें निकाले थे काफी सारे बच्चे। उसके बाद हम टाइपिंग देने गए, टाइपिंग भी क्वालिफाई हुई। फिर मेरा क्या था, इसमें उन्होंने प्रीफ्रेंस करवाया था एएसआई और एएसआई वाली में, तो हमारा प्रीफ्रेंस पहले एएसआई डाला था हमने, उसके बाद एएसआई डाला था, क्योंकि हमने सोडैंड नहीं आती थी, हमने सोचा छोड़ो क्या दिक्कत है। उन्होंने थोड़ा टाइम दिया 1-2 महीने का सोडैंड के लिए, हमने सीखी, सीख के हम क्वालिफाई कर गए, हम देने चले गए, कोई दिल से नहीं थी कि हमें पता था एएसआई में तुम्हारा पक्का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि हमें इस टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन इतना पता था एएसआई में तुम्हारा पक्का है एएसआई वाली में। लेकिन हुआ क्या, एएसआई में देने लगा, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया फाइनल, सोडैंड भी जाए सब कुछ जाए, हमारा फर्स्ट रिजल्ट फाइनल आया था 31 दिसंबर को, है ना, 31 दिसंबर को आया था, उस टाइम हम एएसआई में क्वालिफाई हो गए थे, अकाउंटेंट वाली पोस्ट जो थी, जो बीकॉम से आई थी, हमारे पास बीकॉम था, तो हमें पता था उसमें सेव का कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें क्वालिफाई हो गए। उसके बाद हमने क्या कहा, जो वेबसाइट थी आयोग वाले, उन्होंने देखा कि एसआई सिविल और एएसआई वालों में बहुत सारे बच्चे कॉमन है जो दोनों पोस्ट पर गए हैं, तो उन्होंने एक प्रक्रिया वो निकाली रखी थी कि कुछ बच्चों को जो दोनों में है उनसे प्रीफ्रेंस ले लेते हैं, कौन सा करा नहीं है पोस्ट, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, डाल दिया कि आप 19 तारीख तक बता दीजिए, जिसे जो पोस्ट लेनी है उसका नंबर दूसरे में से हटा कर जो बच्चे फेल हुए उन्हें ले लेंगे, वो अच्छा भी है, क्योंकि एक बच्चा तो एक ही जॉब करेगा, दूसरे तो बेकार जाएगी पोस्ट। तो हमने भी सोचा हमें क्या दिक्कत है, हमने एक लेटर लिख के डाल दिया कि हमारे प्रीफ्रेंस करा था, यह था ऐसा स्टैंड बना दो, मैं हमारी सोचा अच्छी हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने हमारे सुन ले आयो पाने में है तो गंगा ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने हमारी बात सुनी, देखा कि हाँ बच्चे की स्टूडेंट क्वालिफाई है, उन्होंने हमें फिर 25 जनवरी को रात को आया था, इस तरह ग्राई चल रहा था बहुत अच्छे आदमी, तो उन्होंने 25 जनवरी को रिजल्ट दिया था रात को। हमने सुबह देखा, हमारे दोस्त ने फोन करके बताया यार रिजल्ट भी तो आया है चलो तुम्हारा, मैंने कहा हाँ आया होगा, मैंने देखा, मैं सो गया था, कहता देख के चेक कर, तो मैंने देखा, तो मेरा नाम भी दर्ज में मेरा भाभी पंद्रह दिन में प्रमोशन हो गया पहले था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई तैयारी करनी है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, मैं मानता हूँ अगर ऐसे ही सिविल में हो जाता तो इसमें नहीं हो पाता, लेकिन पोस्ट उससे बेहतर है और बहुत अच्छी है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी करते रहो अच्छे से, दिन रात तैयारी करो, जब तक करनी है ये सोच लो कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ तैयारी करनी है, जो सर ने दिया वो काम पूरा करना है और अपना एक्स्ट्रा करना, प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, सर तो पढ़ाते ही है उसके बाद प्रैक्टिस भी कराते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पहले वाली प्रैक्टिस होती है वो बहुत काम आती है, ये लगा लो उसमें तुम जी जान लगा दो, जो हमने करी है हम उसकी बता रहे हैं, और जब सिलेक्शन होगा तो 8-10 महीने से होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसा हमारा होगा सबका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में
थोड़ा बहुत पहले मतलब उठे 5-6 बजे के आसपास, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, जो करंट अफेयर्स था वो देख लिया थोड़ा बहुत, एक आध घंटा फिर हम 8-9 बजे सर के पास आते थे, उसके बाद हम 1 बजे तक यहाँ पर पढ़े, उसके बाद हम चले गए जाकर हमने खाना वाना खाया, हमारा गाँव है पास में 5-6 किलोमीटर, साइकिल से आते थे डेली, अब हम साइकिल से करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। हम गए, हम 1-2 बजे तक घर पहुंच जाते थे, खाना वाना खाया थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद देखा थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन हम 1-2 घंटा वहां निकाल लेते, उसके बाद हमारा डेली का रूटीन था, मतलब कहना नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, हम 4-5 बजे तक रोज क्रिकेट खेलते थे, जो अपना काम है वो भी पूरा करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए, सबसे पहला हमारा काम पढ़ाई है, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हम पढ़ाई छोड़ कर, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ हम पढ़ाई ही करनी है, ये नहीं कि फोन आ रहा मैसेज दे लो नोटिफिकेशन आया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। हम पढ़ते थे, उसके बाद हम 5-6 बजे आए ना, आके शाम का खाना खाया, लेकिन 9 बजे आके मेरी आदत क्या थी, मैं सो जाता था 9 बजे से 10-11 सोया, लेकिन जब मैं 11 बजे उठता था, आप सुनती थी 11 बजे, उसके बाद में मैं 3-4 बजे सोता था रात को, इसी वजह से मैं सुबह लेट उठता था, मेरे घर वाले डांटते थे कि पूरे दिन सोता रहता है, 8-10 बजे उठ गया सोकर, उन्हें क्या पता मैं क्या कर गया, न तो सुना नहीं मतलब देख रहे थे। मैं ये पहली बार शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता है वाली बात, मैंने पहली बार शेयर किया, उसके बाद पता चल जाएगी, कुल मिला के अगर घर जाने घर पे बात करें तो 5-6 घंटे कम से कम पढ़ना है तुम्हें, और पढ़ना इस तरीके से है कि अगर उस बीच में तुम्हारे पास कोई आगे भी खड़ा हो गया तुम्हें पता ही चलना चाहिए, मेरा दोस्त बैठा पीछे राहुल खड़ा हो गया, लगातार कह रहा हूँ भैया तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारे दोस्तों सगे दोस्त भैया दोनों पक्के आ रहे हैं, तो ये कभी कभी आता था जैसे आ जाते हैं घूमने घर पे पढ़ाई होनी चाहिए और मौज मस्ती करो तो मौज मस्ती करो, और वैसे भी जॉब लेने के बाद मौज मस्ती करनी है, करना ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल की मेहनत है, अगर लगातार मेहनत कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। तो दोस्तों जय हिंद किसी के साथ, और सर बताएंगे कुछ, मेन मुद्दा यही रहता है, यहाँ पढ़ते कहते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि भैया जब पढ़ो तो पढ़ो, जैसे इनकी समस्या है ना कि ये पढ़ते नहीं है, रात में क्या कर रहे हैं क्या पता, ये सबके घर वालों के साथ समस्या है, ये मेरे साथ भी समस्या है, मेरे घर जाके कोई पूछ लो कि कितना पढ़ा है, मेरे पिताजी तो कहते तो पढ़ता ही ना, हम बड़े परेशान हैं। तो भैया हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली होगी ना, हमारी आप सबकी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें समस्या आती है, माँ बाप का मन ये करता है कि लड़का जो भी काम करे हमारी आंखों के सामने करे पहले से, लेकिन भाई साहब हम नहीं कर पाते तो समस्या होती है, आप कुछ भी करें लेकिन अपने आप से सवाल करें कि क्या आज मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कई बार बता चुका, अगर कोई वास्तविकता में सिलेक्शन लेना चाहता है तो मैं आपको बताऊंगा, हर विद्यार्थी को जब तक सिलेक्शन नहीं होता 2 प्रश्न खुद से जरूर करने चाहिए कि क्या आज मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अपने आपसे पूछिए, अपने आपसे सवाल करो इस समय कि इन दिनों मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं कि जो भर्ती होगी उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे अंदरूनी मन को सब पता होता है, अपने आप से प्रश्न करिएगा यहाँ पर हमारे मन में बैठे बैठे कि इन दिनों मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, करके देखें। बहुत सो के मन की आवाज आ रही होगी ना, और बहुत तगड़ी वाली ना होगी, भले तो मुझे एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये करिए, देखिए मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे मन की बात है, मैंने बहुत सारे लोगों पर ट्राई कराई है और जिनका लगाया पूरा, अभी हम जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं अभी हमने सोचा कि चलो शुरुआत करते हैं, हम उन्हें बुला भी रहे हैं, धीरे धीरे आपको वो लोग भी देखने को मिलेंगे जो फाइनल सिलेक्शन में चले गए। 2018 वाले जो बैच था शायद 2018 में या 2019 में 2017-18 में रेलवे की वैकेंसी आई,
जैसे यहाँ पे बैठ के 7-8 दोस्त पढ़ते हैं तो 8 के 8 एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में सेलेक्ट, ठीक है। तो भाई साहब मेन मुद्दा यही है कि अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, जब तक सिलेक्शन ना हो ये 2 प्रश्न रोज करो। अच्छा यहाँ पे बैठे हो, आपने पहला प्रश्न तो करा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इन दिनों में इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नंबर आएगा ना आएगा पहले ही पता चल जाता है भाई, इनसे पूछ लो चाहे, पहले ही पता चल जाता है एग्जाम देने से पहले पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा नहीं होगा, तुम्हारी तैयारी कैसी है वो खुद बता देती है। मानिए बात, दूसरा प्रश्न ये करो कि भाई कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन ना होगा, करके तो देखो अपने आप से मन मन में, अंदर वाला मन सब बता देता, सब सब बता देगा, मुस्कुराहट आ रही बता, हमें अपनी कमजोरी पता है, हम फिर भी मन के गुलाम हो जाते हैं। वो कहेगा फोन बहुत चला लिया, टाइम बहुत वेस्ट करता है, इधर उधर के गली नुक्कड़ों पे चक्कर बहुत काट लिया, सब बता देगा, सब उन लिस्ट में जो लिस्ट निकल का ना मन में से कि मेरी कौन सी आदत है जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाता है या रुक जाएगा या नहीं होगा। अपने आप से खुद को सवाल करना, किसी को नहीं बताना, उसमें से अगर तुमने सिलेक्शन तक 60% भी काबू कर ली ना, 60% आदतें भी काबू कर ली, 40 रहने दो, ठीक है, तो ये मान के चलिएगा एक झटके में सिलेक्शन हो जाएगा। मेन मुद्दा यही रहता है कि अपनी कमियां पहचानो कि हमारे अंदर कमियां क्या चल रही है। देखो इन्होंने कहा कि पहली बार में सिलेक्शन किसी का नहीं होता, या जिनका होता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर जो है अधिकांश लोग 80% या 90% लोगों को मैं कहूं तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता। मैं नहीं कह रहा नहीं होता, होता भी है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो गलती पहले एग्जाम में करी थी कोई दूसरे में कर रहे हैं, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, वो पांचवे में करे जाए उससे क्या फायदा। जैसा मैं कहता हूं जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं जिन्होंने सबसे पहले पेपर दिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा रीजनिंग मैथ हिंदी या जीके जो भी होगा आप में आपके कुछ टॉपिक उसमें कमजोर होंगे जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। आप अपने आप से सवाल करें कि जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था क्या वे टॉपिक मेरे सही हुए अभी तक, नहीं हुए होंगे तो हम उनसे बचते हैं। भाई साहब बचना सोल्यूशन नहीं, अपनी कमियां पहचाने, पहचानने के बाद उन्हें दूर करें और सिलेक्शन लेने से भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। कंपटीशन जो होता है वो 20-30% पे होता है, जितने लोग फार्म भरते हैं ना उसमें से 20-30% पे कंपटीशन होता है, बाकी जो 60-70% होते हैं वे लोग जो होते हैं एग्जाम देने वाले वो कोई इतने खास नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की तैयारी कम रहेगी, किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेहनत अपने अपने स्तर से सब करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये रहता है कि ऐसी मेहनत जो सफलता दे, मेन मुद्दा तो उसी का है ना। देखिए मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं भले ही कुछ भी जानू, हमारी सोसाइटी एक तरीके से मानती है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो मतलब मैं अनपढ़ का अनपढ़। हमारी बात, एक व्यक्ति चाहे उसे कुछ नहीं आता, उसने चाहे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से नौकरी ले ली, भाई साहब चाहे नौकरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ले ली, वो तुमसे ज्यादा है, तुमने PhD कर रखी तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, नहीं मैं मध्यम वर्गीय समाज की बात कर रहा हूँ जैसा हमारा तुम्हारा, तुम्हारे कुछ भी औकात नहीं होगी अगर तुम्हारे पास नॉलेज कितनी भी गेन कर ली, तुमने दुनिया भर का पढ़ रखा है, अगर तुम सलक नहीं हो तो या अपने आप को सिद्ध ना कर पाए, मेन मुद्दा समझ रहे हैं। और नौकरी लगने के बाद जो शौक होते हैं, जो ऐप होते हैं ना, ऐप जो तुम्हारी आदतें देती है भैया शौक में बदल जा, फिर ना रोकेगा कोई, अभी तो घर वाले रोकते होंगे अकेला कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा, मुंह से कैसी आ रही तेरे, बाद में पापा कहने कोई ना लोटा टेंशन होगा, लड़की हमारी टेंशन होगी कोई बात नहीं। तुम्हारा मेन मुद्दा ये है, अभी थोड़ी चीजों को कंप्लीट करते हुए चलना चाहिए, मेन मुद्दा ये है कि चीजें भाई साहब ऐसे ही आती रहेंगी, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में चलते हैं, मेरी भी आप सभी की, टेंशन लगी रहती है, चिंता लगी रहती है, और जिंदगी भैया इसी का नाम, तुम्हें लगता हो कि सब कुछ मेरे हिसाब से स्मूथ चले, मौसम भी मेरे हिसाब से हो जाए, मच्छर भी ना काटे, नींद भी ना आए पढ़ते हुए, और जो मैं पढ़ू एक बार में याद हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, दिमाग से निकाल दो। अगर तुम इंतजार करोगे कि जैसे कि भैया आज गर्मी बहुत ज्यादा ना, आज ना पढ़ लिया, आज सिर में दर्द है थोड़ा सो लूंगा, मुझे ये बताओ 3 घंटे की जब पिक्चर देखते हैं बुखार आ रही हो, बुखार पिक्चर चल जा, बैठ जाता नहीं बैठ जाता बुखार भाई साहब, तुम 1 घंटे पढ़ ले बैठ जाओ, 1 घंटे, 1 घंटे में 2 या 3 बार तो टॉयलेट के लिए उठेगा आदमी, उठता नहीं उठता, जब पढ़ ले बैठते हैं नींद भी बड़ी जल्दी आती है, पिक्चर चला रहे हो पिक्चर ना तो नींद आती और टॉयलेट भी बाहर से जा रहा 3 घंटे बाद, 4 घंटे भी ले लें रेगुलर वगैरह खत्म करने के बाद। तो भाई साहब दिमाग को ये बताओ ना, जैसे भाई साहब ने कही कि आग लगनी चाहिए, वो अपने आप अंदर ही पैदा होती है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेशन या जो भी कह लो, पहली बात तो मैं मोटिवेशन में विश्वास करता नहीं, वो अंदर से ही जगती है। भाई मोटिवेशनल स्पीकर केवल हवा भरते हैं थोड़ी देर में, जैसा आज आप लोग सुनोगे ना, आप लोग यार मैं भी 9 बजे सुबह आग लगा दूंगा, 10-11 बजे ये कर दूंगा, ये 3-4 दिन तक चलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई खास वजह नहीं है, तुम्हारा अंदर का मन खुद ही ये नहीं कहता कि मुझे सिलेक्शन लेना है सीरियसली,
तो भाई साहब तुम्हारा नहीं होगा, किसी का। हम सामने वाले से सीख सकते हैं कि उसने किस तरीके से चीजों को अंजाम दिया। तो भाई मेहनत तुम्हें करनी। अब इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन होने का मतलब ये कि आगे की जिंदगी बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या खत्म नहीं होती है, समस्या तो रहेगी, लेकिन कुछ हिस्से में मामली में स्टेबिलिटी आ जाएगी। इससे वहां पढ़ लिया होगा तो ग्राफ ऐसा जाता है, उतार निचार ऐसे, बाद में नौकरी लग जाती है ना ऐसा रहता है और हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है। इस समय बैठे हो तुम बुग्गी में टूटी हुई रोड पे, भाई झटके लगे दबादम, बाद में तुम भाई साहब हाईवे पे आ जाओगे चौकैया खाड़ी में, कहीं कहीं ऊपर भी जम्पा। तो मेन मुद्दा यह है कि सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन सेंटर तो हो जाता है, ये नहीं कि ठाकुर द्वारा से सिलेक्शन नहीं होते, बढ़िया पोस्टों में होते हैं। ठीक है, अभी ये दो लोग आए हैं, इनकी भली मनसाहत है कि आए, बाकी और भी बहुत सारे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अगर आगे तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा। मेन मुद्दा है कि पढ़िएगा कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ये भी तो मायने रखता है ना भाई, पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। जब भी नौकरी लेनी है सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए, मुंह जवानी इनसे पूछ लो इन्हें सिलेबस पता था नहीं पता था, जब भी तो ये कह पा रहे हैं कि उसका और उसका सिलेबस में थोड़ा बहुत ही अंतर था या लगभग समान ही था। अब हमें सिलेबस ही नहीं पता, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं पूछूं आप तैयारी किसकी कर रहे हैं कि जी हम लेखपाल की कर रहे हैं, मैं कहूं कि सिलेबस और टॉपिक वाइज बता दो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। बस ये है कि भाई किताब लेते हैं लिखना शुरू, लिखना शुरू, लिखना जरूरी नहीं है, मेन मुद्दा है कि दिमाग में कितना है वो जरूरी है। ठीक है, देखो लिखी हुई कॉपी किसी काम की नहीं, मैं बार बार ये कहता हूँ, लिखी हुई किसी काम की नहीं है। एग्जाम में तुम नोट थोड़ा लेके जा सकते, और नोट्स ले भी गए, अगर कोई किताब ले जाता तो मैं मानता हूँ जो पेपर करता वो भी ना करता, दो घंटे में क्या 100 प्रश्न हो गए या 150 के आंसर मिलने हैं, कितने पेपर पलटो। तो मेन मुद्दा यह है कि लिखने से ज्यादा एक तो दिमाग पर जोर दीजिएगा याद करने पर, दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ दिनचर्या जैसी ही होने दीजिएगा, अपने आप से 2 प्रश्न डेली करने चाहिए, डेली लिख लो कहीं कि आज मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरा सिलेक्शन होगा। या फिर दूसरा प्रश्न ये करें, अगर मन कहे नहीं करी, जिस दिन हाँ कहेगा ना मन हाँ करी, तो ये मान के चले कि तुम्हें उस दिन नींद बहुत अच्छी आई और मन भी शांत रहता। इस समय आप लोग जो हंसते हैं ना, हंस तो रहे हैं हम, लेकिन वो ओरिजिनल वाली खुशी नहीं है, ना मानो खुद से पूछ लो। आप लोग जब आपस में बात करते होंगे, घूमते फिरते होंगे, रिश्तेदारी में जाते होंगे, हंसते हैं ना, जो हंसते हैं एक अजीब सा बोझ, एक अजीब सा दबाव हमेशा रहता 24 घंटे। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जब जो हंसी आगी वो खुल के आगी कुछ दिनों तक, करने उसके बाद समस्या तो फिर भी शुरू होगी। तो आप अपने आपसे सवाल करें कि क्या आज मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर दूसरा प्रश्न ये करें कि भाई कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, उन्हें दूर करिएगा, मेहनत करिएगा, और मेरी शुभकामनाएं हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं इन दोनों को भी भाई साहब अच्छे से अपना पोस्ट संभालने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अभी सलमान है, ये ट्रेनिंग के बाद ऐसे हो जाएंगे चीते का खुला चीता, तो अभी तो सलमान है, शुरू में तो शर्माते हैं सब लोग। तो ठीक है जी, मैं भाई साहब से कहूंगा बात। अरे सर सोनू सर को ये बता लो, भाई और बहनों का सहयोग रहा है, जो जिसके लिए मैं आप सभी का सदैव ऋणी रहूंगा। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ठाकुर द्वारा जसपुर तथा मैट्रिक्स की पढ़ाई काशीपुर से की, तत्पश्चात 3 वर्षे डिप्लोमा IPTM विश्वविद्यालय से किया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। उसमें मैंने कोई पढ़ाई बात कही है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और आशा करता हूँ भगवान से मुझे मुझे बुलाएंगे। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मैंने 2013 में अपना 12th किया था, उसके बाद मैंने 5 साल मैंने RSS में बिताए, तत्पश्चात मैंने जाना है कि युवा नेता जो आजकल जो है भागीदारी निभाते हैं, सोचते हैं कि दूसरों की मतलब कि चापलूसी करके आगे बढ़ जाएंगे, अपने बल पे बढ़िएगा आगे। मैं 20 फरवरी 2017 में कॉम्पिटिशन में आया था भैया, तो ये 6 महीने में SI बन गए हैं, लेकिन मुझे वही 6 साल लगे हैं SI बनने में, यही वास्तविकता है। मैं जब 20 फरवरी 2017 को यहाँ आया था तो मेरी बहन भी रहती थी, हम दोनों मुंबई रहते थे, मेरा गाँव यहीं से 5 किलोमीटर ही दूर है। तो मैं 10 महीने यहाँ पे लगातार रह के गया था, घर में भाई गया ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ, और मेरी मम्मी का फोन आता था, मैं दीवार में रोज में भी नहीं गया। अब तो कमरा मालिक भी मुझसे परेशान हो गया, वो कहने लगा भाई तू जाता क्यों नहीं, क्या परेशानी है, घर में लड़ाई हो रही है, क्या आवाज़ आ रही है। तो जो है मैंने उन्हें समझाया कि जब मुझे लगेगा मेरी तैयारी ठीक हो जाएगी तो चला जाऊँगा, आपको पैसे में मतलब है।
उसके बाद में 10 महीने बाद में गया अपना आराम से, मम्मी का फोन भी आता था, कहती थी। मैंने सोचा कि जब अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी तभी जाऊँगा। उसके बाद जो है एग्जाम वगैरह दिए हमने, 2017 का दिया था स्टैनो का, क्लियर नहीं हो पाया। 18 का दिया, SSC की तैयारी करता था मैं स्टैनो की, क्लियर नहीं हो पाया। हमने MBA बना रखा था कि स्टैनो ही लेना है, ये हमारी गलतफहमी थी। उसके बाद जो है हम सब एग्जाम देते गए, फिर हमने दबा के तोड़े MBA CHSL, लेकिन फाइनल जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लगातार तीन एक बार से मैं स्टैंडों को तोड़ रहा हूँ, 150 नंबर दे मुझे 2019 में 20 में भी। भाई मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन 2019 वाली SSC ने रोला दिया मुझे। 150 नंबर दे मेरे मेरिट 151 कुछ पे लगी थी। देखो भगवान हमेशा अच्छे के लिए करता है। आज मैं अगर वो नौकरी दे लेता तो हो सकता है मैं चेन्नई में नहीं पढ़ा होता, मेरे घर वाले भी परेशान होते, मैं नहीं होता। अब इस समय जो है मुझे अच्छा पद मिला है, मिलने विभाग मिला है, और मैं ऐसी नौकरी चाहता था जिसमें जो है मेरा किसी भी मजदूर या मैं किसान वर्ग से, भाई मेरे पिताजी किसान हैं, और जो है मैं चाहता था हमेशा कि जो है ऐसी नौकरी ना मिले कि मैं मतलब कि किसी के साथ गलत करूँ। अब मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं अगर परेशान करूँगा किसी को तो वो सरकारी कर्मचारी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनसे, उनकी अगर आप शिकायत करोगे, आपसे रिश्वत लेते हैं, आपके बच्चे गलत व्यवहार करते हैं, तो आप इसलिए उसको शिकायत करेंगे, तो तब हम आएंगे। जैसे मान लो कोई आपसे रिश्वत लेता है तो आप उसकी शिकायत करेंगे हमसे, फिर हम उससे, ठीक है। तो हमारा आप लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा, सामाजिक जो शोषित वर्ग होता है उसे हम कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और आप लोगों से ही मेरा कहना है कि कल आप लोग भी लगेंगे नौकरी पर, जो देखो मेहनत करेगा वो तो लगना ही है, समय लग सकता है, आपको निरंतरता बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी आपको, लेकिन कभी शोषित वर्ग को परेशान ना करना, कभी आप भूल जाओ। और जो लोग आपके प्रति जैसे रहे हैं आप कोशिश करना उनके प्रति वैसे ही रहो। और शिक्षा की तरफ आता हूँ मैं, 2017 में जब मैंने तैयारी की थी, जब मैंने स्टैनो की तैयारी की थी तो उसमें एक सीमित सिलेबस होता है, जैसे SSC की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, उसमें GK इस प्रकार का आता है कि आपको किसी विशेष अध्ययन की कोई जरूरत नहीं है GK में, उसमें लिखा भी होता है सिलेबस में, आप पढ़ लेना एक बार नोटिफिकेशन। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, मान लो इकोनॉमिक्स छोड़ दो यार, 2 नंबर की आती है, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो पूरी, और सब्जेक्ट पढ़ लो अच्छे से, करंट अफेयर्स अच्छे उसका आता है पोर्शन का, और विविध आता है उसमें, अच्छे वो बनाओ। लेकिन ये है, अब जैसे मान लो हमने संविधान पढ़ा, अब संविधान में प्रस्तावना से स्टार्ट करा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी कंत्री पे एक लोकतांत्रिक राज्य बनाने, इसके संविधान के लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीति में आम विचार अति विचार धर्म को पास करें, प्रतिष्ठा व्यवसाय जनता उपयुक्तम गरीब पर राष्ट्रीय एकता कंता उच्च जिस पंचवाद जनता उड़ाने के लिए आदि नाम 26 नवंबर 1949 को जन संपर्क आपको ये याद नहीं करनी है, ये हमारे सिलेबस का कारण क्या रहा है। देखो ठाकुर द्वारा कुछ ऐसी भी कोचिंग है जो UPSC की तैयारी करके आए, उन्होंने भी SSC वगैरह का एग्जाम तो दिया नहीं है, वास्तविकता ये है। अब हम जब उनसे पढ़ रहे हैं तो हम उनके अनुसार पढ़ रहे हैं, अब उनको तो ये लिखने के लिए आती है, उन्होंने हमें पढ़ाया ऐसे, हमने भी सोचा भाई जैसे इन्हें याद है वैसे हम भी करें, लेकिन इतना समय नहीं देना है। मान लो पोर्शन होते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये GK वगैरह, इसमें तो बस दूसरे से कम्पीट करना होता है कि कहीं पीछे ना रह जाए। और हो सकता है अगर आपने अभी 12th किया है तो आप BCom कर लीजिएगा, BCom से जो है कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। अकाउंटेंट की जॉब आती है UPSL में भी, इसमें भी ऐसा ही अकाउंटेंट की जॉब थी, जिसमें मेरे पास भी BCom है, इनके पास भी है, वो हमारी जॉब बिल्कुल पक्की थी, एक स्टार हमें मतलब मिल चुका था पहले, फिर हमारी मेहनत 2 स्टार के लिए थी। बच्चे इसमें बहुत परेशान रहे कि निकल गए, 2 से 3 स्टार आई है, जैसे भैया रहे, हम तो वही साफ रहे, नंबर इतने थे मेरे जो है, हमेशा SSC वगैरह में कम नंबर पड़ते रहे, अब के इतने रख दिए मैंने नंबर ले आके, 50 नंबर भाग देते भाई, बढ़ा दे कहाँ तक बढ़ाए वाले बैठे हम। उसके बाद जो है हाईकोर्ट में भी है मेरा, DDA में भी था मेरा, देखो स्टूडेंट को भी बढ़ता देते रहना, अगर ठाकुर द्वारा में नौकरी लेनी है तो स्टूडेंट बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट के बहुत अच्छे अच्छे पद मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट को बराबर बढ़ता देते रहना, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।